नमस्कार, मैं हूं सपना तिवारी और आप देख रहे हैं वो कल न्यूज शेड्यूल। करोड़ों की लागत से शुरू नल जल योजना सालों से पड़ी ठप। बात करते हैं अनूपपुर के बिजली नगर पालिका की, जहां साल 2016 में मुख्यमंत्री शहरी नल जल योजना के तहत 18 करोड़ रुपए की लागत से जल आपूर्ति का काम शुरू किया गया था, लेकिन 5 साल पूरा होने के बाद भी जल आपूर्ति का काम अभी तक संपूर्ण नहीं हुआ है। बिजली नगर पालिका में बारिश के बाद जल स्तर में भारी गिरावट आती है और नगर पालिका को टैंक के माध्यम से जल की आपूर्ति करनी पड़ती है और ज्यादा गर्मी पड़ने पर हालत और बदतर हो जाती है। यही नहीं, हैंडपंप और बोरिंग मशीन भी पानी देना बंद कर देते हैं और सिर्फ गर्म हवा फेंकते रह जाते हैं। मुख्यमंत्री नल जल योजना का काम कोलकाता के फर्म को दिया गया था और यह काम 2 साल पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक काम संपन्न नहीं हुआ है। नगर पालिका ने इस संबंध में ठेकेदार को 3 बार नोटिस भी जारी किया, लेकिन काम में कोई तेजी नहीं आई और काम लगातार धीमी गति से किया जा रहा है, जिसका खामियाजा बिजली के लोगों को उठाना पड़ता है। इस विषय में कोतमा विधायक को भी सूचित किया गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। योजना के तहत 46 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, 3 ओवरहेड टैंक, इंटक वेल के साथ फिल्टर प्लांट के निर्माण का काम 2 साल में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक सिर्फ 14 किलोमीटर पाइपलाइन का ही विस्तार किया गया है। इसके साथ 2 ओवरहेड टैंक और इंटक वेल का भी निर्माण किया जा चुका है। जल आपूर्ति के लिए पहले डोला में बंद पड़ी खदानों में एकत्रित वर्षा जल को पाइपलाइन के माध्यम से नगर तक पहुंचाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद योजना में परिवर्तन कर अब केवई नदी का पानी सप्लाई करने की योजना तैयार की गई है। योजना के तहत 8,000 घरों तक नल जल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें केवई नदी तक 23 किलोमीटर की पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा। नदी में इंटक वेल के साथ बैराज निर्माण किया जाना है, जिसके लिए परियोजना का पुनरीक्षित काम की योजना बनाई गई है, जिसके लिए 24 करोड़ के बजट की मांग की गई है। अभी तक नगर पालिका को राशि आवंटित नहीं की गई है, जिसके कारण नल जल योजना बीज भवन में अटकी पड़ी हुई है। नल जल योजना की शुरुआत 5 साल पहले की गई थी, लेकिन ठेकेदार की ढिलाई की वजह से 2 साल पहले पूरा होने वाला काम अभी तक अटका पड़ा हुआ है और इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से नगर के लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि 2 साल में पूरी हो जाने वाली योजना का लाभ नगर के लोगों तक कितने सालों में पहुंचता है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वो कल न्यूज शहडोल। धन्यवाद।